बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये सैगवान पाउडर, तो इसके रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए थे। हर भाई पूछ रहा था कि यार इसको यूज़ करने का तरीका बता दें। तो जैसे कि मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो लगाई हुई थी, तो जिसमें मैं अपने परिंदों को सैगवान पाउडर की स्प्रे कर रहा था, तो आज मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताने लगा हूँ और ये किन सूरतों में यूज़ करना है आपने और किस वक्त करना है ये चीज़ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये यूज़ होता है सिर्फ माइट्स के लिए, ठीक हो गया। बाकी इसके ऊपर तरीका भी लिखा होगा, लेकिन ये जो हमारे परिंदों के काम में यूज़ होता है ये माइट्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो परिंदों को बरीक बरीक जुएँ पड़ जाती हैं ना, जैसे कि परिंदों को तकरीबन 2 से 3 किस्म की जुएँ पड़ती हैं, ठीक है। और ये उन 2 से 3 किस्म की जुओं को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो परिंदा आपका ब्रीडिंग सीजन में बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक हो गया। तो बात कर लेते हैं कि आपने कितने पानी में कितना यूज़ करना है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान है, अगर आप बिल्कुल सेम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, आप चाहे जितने मर्जी अपने परिंदे नहला दें। तो जैसे कि ये देखें, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, तो ये कितने, ये 1.5 लीटर की बोतल है जो हमें इजीली मिलती है बाइक से, 1.5 लीटर की बोतल है, ठीक हो गया। इस 1.5 लीटर की बोतल में आपने कितना डालना है सैगवान, तो ये देखें ये 2.5 ml का जो है स्पून है, ठीक हो गया। ये 2.5 ml यानी कि 2.5 ml का ये एक स्पून है जिसको हमने भरना है, ठीक हो गया। इस 2.5 ml के स्पून को हमने भर के पूरा ऊपर तक लेवल करके तो अपनी 1.5 लीटर की जो बोतल है उसमें डाल देना है, ठीक हो गया। उसके अलावा आप चाहे 1.5 लीटर के पानी को अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने चेक करना है, चेक करने के बाद दो मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। फिर आपने अच्छे तरीके से इसको चेक करके अपने परिंदे को स्प्रे कर देना है। और कुछ भाइयों के मैसेजेस मुझे आए थे कि भाईजान इसका आँख के ऊपर कोई इन्फेक्ट तो नहीं है, आँख तो नहीं इसके साथ कोई डैमेज हो जाएगी या कोई आँख का कोई मसला तो नहीं है। नहीं भाईजान, कोई किसी किस्म का इसका इशू नहीं है, अगर आप सेम रेशो में यूज़ करेंगे तो कोई किसी किस्म का आपको मसला जो है फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके परिंदे का जो कलर है वो भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे नया परिंदा होता है आपका, ठीक है। एज लाइक न्यू कंडीशन में आ जाएगा, जो भी मैल चढ़ी होगी वो भी उतर जाएगी। और उसके अलावा उसका जो माइट्स का इशू होता है, जो परिंदा बैठा अपने पर खुजलता रहता है, उसके अलावा उसके पर उतारता रहता है, ये आपके सारे जो है सोल्यूशन इसके साथ हल हो जाएंगे जो भी आपके साथ मसले हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक मसला और है, बहुत ही सीरियस मसला है, कि आपने देख लेना है कि अगर तो आपके जो बाहर यानी कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका बाहर जो धूप निकली हुई है, तो आपने फिर इनको जो है स्प्रे करना है, यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्म है, अगर ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम है, हवा चल रही है, तो आपने फिर इसको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब भी परिंदा जो है भीग जाता है उसको हवा लगती है, परिंदा आपका जो है बीमार भी हो सकता है, इनकेस से एक्सपायर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने कभी भी इसको जो ठंडा मौसम हो उसमें स्प्रे नहीं करना, जब भी धूप निकली हो, मौसम गर्म हो, तो फिर आपने स्प्रे करना है। और आपने सीज़न से पहले, सीज़न शुरू होने से पहले एक मरतबा लाजमी करना है, वरना सीज़न में इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी देखने। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। जजाकअल्लाह।